हे गाइस, वेलकम बैक टू चेक अपडेट्स। कैसे हो आप सब? आज मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव न्यूज है, सो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर आप बने रहे। आज मैं बात करने वाली हूँ एल्विस यादव के बारे में। क्या आप सभी को पता है एल्विस यादव अरेंज किया एक इवेंट, और ये इवेंट होने वाली है 19th ऑफ अगस्त एट गोरेगांव ताऊ देवीलाल स्टेडियम, और इस इवेंट का नाम दिया गया है अभिनंदन। और इस इवेंट में एल्विस यादव अपने सभी फैंस को थैंक यू कहना चाहते हैं जिनकी वजह से आज वो इस मुकाम में है। और क्या आप सभी जानते हैं इस इवेंट में एल्विस यादव, फुकरा इंसान और सभी कंटेस्टेंट को इन्वाइट करने वाले हैं जो बिग बॉस OTT2 में थे। और साथ ही साथ वो हमें ये बताएं कि उनकी और फुकरा इंसान के बीच कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, उन दोनों के बीच अभी भी भाईचारा है और ऐसा कुछ उन्हें प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसे कि आप सभी को पता है, ट्रॉफी मिलने के बाद एल्विस यादव सभी कंटेस्टेंट से मिले पर मनीषा रानी से नहीं मिल पाए, और इसी कारण सभी कोई कह रहे हैं कि एल्विस यादव के साथ मनीषा रानी की शायद दोस्ती अब नहीं रही। पर ऐसी कुछ भी बात नहीं है। एल्विस यादव के पास मनीषा रानी की कॉन्टेक्ट नंबर है, वो व्हाट्सएप कर रहे हैं, पर मोबाइल के कुछ इश्यूज होने के कारण अभी तक वो मैसेज डिलीवर नहीं हुई है। लेकिन एल्विस यादव बहुत जल्द ही मनीषा रानी से बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ एल्विस यादव कहें कि वो मनीषा रानी के पराठे काफी मिस कर रहे हैं। हमारा अभी परसों इवेंट भी है, बता दूं इसे वाले ब्लॉग में? बता दो भाई, इवेंट है हमारा और मैं आभारी हूँ, जो जब मैं नहीं था अंदर था घर में तब कितने सारे लोग आए थे मेरे सपोर्ट में, तो अब मैं उन लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूँ। तो हमारे भाई हिंदी सुधर की तेरी तो यार, अभिनंदन करना चाहता हूँ और उस अभिनंदन ही है कि मैं सभी लोगों के सामने हाथ जोड़ूं और जितना उन्होंने मेरे को दिया उसका वैसे उतना, बट जितना मेरी तरफ से हो पाएगा मैं उतना करूंगा और होपफुली जल्दी मिलेंगे। परसों इवेंट है हमारा गुड़गांव के अंदर स्टेडियम में। इन शॉर्ट, ये जो कई लोगों की शिकायतें थी भाइयों कि भाई ये इतना बड़ा नहीं कर रहा है, या डीएम तो अभी भी ना खुले, डीएम इसके अभी भी नहीं खुले हैं इसके डीएम, और फिर कई लोगों की शिकायतें थी। और एक और चीज भाई, जो मेरे पे दो फोन है, जिनको पता है जिनको नहीं पता है कि फोन है या नहीं है, तो जो मेरा मेन फोन था जिसमें सब लोग कॉल करते नंबर पे, मैं खुद एक्सेस नहीं मेरे पे, मतलब अलग, क्योंकि बज रहा मैसेज बज रहा है, वो कर हो ही नहीं पा रहा कि एक अप्लाई कर सकूं, मैं दूसरा नंबर यूज कर रहा हूं, तो ये मत सोचना कि साढ़े में आठ आ गई। तो दुनिया पब्लिक अपोलॉजी करती है पब्लिकली, मतलब ये ही विल कम ऑन स्टेज ऑन 19th ऑफ दिस मंथ, 19 तारीख को स्टेज पे आएगा और छोड़ के मतलब थैंक यू बोलेगा, माफी तो रहेगा मनीषा का नहीं क्या तूने? अगर एक चीज मेरे हिसाब से पब्लिक ने, मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज नहीं देखे जिसमें पूछ रहे हैं कि मनीषा, कि मैंने हर बार बोला मनीषा इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उसका नंबर मेरे पे व्हाट्सएप का आया, आशिका ने मुझे दिया, मैंने उसको मैसेज भी करे, कॉल नहीं लग रहा, ऊपर से मैसेज डिलीवर अभी मैंने चेक करानी, क्योंकि वो वाले फोन जो मेन था उसमें है मेरा व्हाट्सएप, उससे डिलीवर नहीं हो रहे, तो उसने थोड़ा मतलब मैंने देखा कि यार उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बट शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और उसने बहुत साथ दिया मेरा अंदर, और ऐसा कुछ नहीं है कि हमने किसी की बेइज्जती करी, बेइज्जती अगर करनी होगी ना तो मेरा, जो भगवान ना करे मैं कभी किसी को दिखाऊं, पर कोई दिल से किसी को वेट नहीं भाई, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट फैलाई जाए इतने परसेंट भी, क्योंकि नेगेटिविटी से अब मैं बहुत दूर आ गया, मैं डिटॉक्स